हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, आज की एडिटिंग के लिए मैंने सबसे पहले इस तरीके से फोटो को क्लिक करवाया था। थोड़ा सा कैमरा एंगल नीचे की तरफ से था, थोड़ा सा। बाकी अब ये जरूर बताएं कि ये फोटो जो मैंने क्लिक की है, ये किसने क्लिक की है। मतलब मेरी फोटो, मतलब मेरे मॉम ने की है, मेरे डैड ने की है, या मेरे गली में से किसी फ्रेंड ने की है। तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके ना वोट जरूर करें। बाकी वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि ये किसने क्लिक की थी। तो अभी मत स्किप करके देखना यार, ऐसे नहीं, पूरी वीडियो देखो फिर पता लगेगा। एंड यार, हम हर फोटो के लिए अब नए कपड़े तो खरीदने से रहे कि हर फोटो के लिए नए कपड़े खरीद कर आए, तो क्यों ना इस बार हम एडिटिंग में कपड़े बना देते हैं। तो मेरे पास गाइस ये बैकग्राउंड है, तो इसको हम पहले शेयर पे क्लिक करेंगे एंड पिक्सआर्ट के अंदर इसको ओपन कर लेंगे। बहुत ही आसान वीडियो है यार, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब जैकेट भी हमारे पास नई नहीं आ जाएगी आज। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके हम अपनी फोटो पर पहले ले आते हैं, फोटो थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड बहुत ही आसान चीज़। यहाँ लास्ट में हमारे पास होता है फ्री क्रॉप, इसके अंदर जाएंगे एंड इस बार हम जस्ट अपने फेस का हिस्सा ना थोड़ा सा, गर्दन पूरी भी रख लें, मतलब आपकी मर्जी है। मतलब फेस और गर्दन का पार्ट बेसिकली हमें चाहिए, तो हम फेस और गर्दन का पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये हमने फेस और गर्दन की सिलेक्शन कर ली, ऊपर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहां से कर देंगे सेव। तो यहाँ पर जस्ट मैं अब फेस को थोड़ा सा रोटेट करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना वरना अजीब सा लगेगा। मतलब साइज़ को पूरा प्रॉपरली सेट करना है मैंने। तो अब यहाँ से ना साइड से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ एंड इरेज़ पर जाऊँगा एंड यहाँ से हार्डनेस को ना 90 ठीक है हार्डनेस। एंड यहाँ से ना जो नीचे वाला हिस्सा जो हमें नहीं चाहिए वो यहाँ से मैं इरेज़ कर दूँगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ओपेसिटी फुल करके। तो मुझे लगता है ये गर्दन थोड़ी सी और टेढ़ी होनी चाहिए। अब ठीक है एंड थोड़ी सी और नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब रेस पर जाकर ना थोड़ी सी और नीचे से रेस कर देते हैं। हार्डनेस बढ़ा देते हैं यार, हार्डनेस कम थी। बहुत ही बढ़िया। अब यहां से ऊपर से डन कर देते हैं एंड यहां से एक स्टेप और है बस पिक्सआर्ट का। ड्रॉ के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से ना ब्लैक कलर से शेडो बनाएंगे। तो ब्लैक कलर को सेलेक्ट करो, सिंपल ब्रश में जाएंगे, यहाँ से ना जो ब्रश की हार्ड, ये पहले वाला ब्रश ही है, इसकी जो हार्डनेस है वो 1% रखेंगे एंड जो इसकी ओपेसिटी है वो हम रखेंगे 30 एंड साइज हम बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, मतलब 80 सेट। फोटो को जूम करके ना बिल्कुल जो गले के एज है ना यहाँ पर, ये किनारा यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। यहां से लेयर्स में जाकर ना इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, देखिए बिफोर आफ्टर, ये शैडो से और अच्छी लुक आ जाती है। तो यहां से अब करेंगे, यहां से 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको अब लाइटरूम का एक प्रीसेट भी यहां पर मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप डाउनलोड करिए। तो इसमें हम शेयर पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली ऐड टू लाइटरूम एंड यहां से हम बैक जाएंगे एंड हमने जो फोटो अभी पिक्सआर्ट में सेव की ना उसको भी हम एड टू लाइटरूम कर देते हैं। अब लाइटरूम को ओपन करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है मतलब एंड बहुत ही बढ़िया लुक वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ही हमारा प्रीसेट आ चुका है, प्रीसेट पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लोड होने की पहले वेट करते हैं, लोड होगा, कॉपी सेटिंग्स डन। अब बैक जाएंगे, यहाँ से अपनी फोटो जो हमने पिक्सआर्ट में अभी अभी सेव की है इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे पेस्ट सेटिंग्स। बहुत ही बढ़िया। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अगर आपको फिर भी अभी भी करनी है तो आप, जैसे मैं चाहता हूँ कलर्स में जाकर ना मिक्स में जाऊँगा, यहाँ से मैं ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके ना जो सेचुरेशन अभी -49 है ना उसको मैं कर देता हूँ -60 कर दो चलो एंड लूमिनेंस को कर देते हैं 50 बस डन। एंड इसके ऊपर हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रोफाइल्स पर जाकर ना, ये प्रोफाइल्स होती हैं, तो प्रोफाइल्स में जाएंगे
एंड यहाँ से ये बेसिक लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करके यहाँ से चूज़ करेंगे मॉडर्न। मॉडर्न में बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं, वैसे भी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं लेकिन मॉडर्न में मुझे अच्छे ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जैसे मॉडर्न 2 है ऊपर, इसको चूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं। देखिए फ़ोटो पहले कैसी थी हमारी, बहुत ही अच्छी टोन आ गई यार, डन। एंड अब उनके लिए जिनका ये प्रीसेट मुझे लगता है फ़ोन में नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रीसेट हर एक के फ़ोन में नहीं चलता, फ़ोन के इशू है पता नहीं क्या इशू है, तो उनके लिए मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। आप जस्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैल्यूज़ के, अगर आप देखना चाहते हैं। लाइट में जाएंगे, ये लाइट की कुछ सेटिंग्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कर्व के अंदर है ये RGB वाला। तो लाइट के बाद ये है हमारा कलर टैब, ये मिक्स वाला, ये अलग अलग कलर्स का मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अगर आप चाहें। ये क्लैरिटी वाला टैब है, ये स्प्लिट टोन का टैब है, और सॉरी ये इफेक्ट्स वाला था, ये क्लैरिटी वाला है। तो बस अगर आपके फ़ोन में ये प्रीसेट नहीं चलता तो आप ये सेटिंग्स आपने देख ली, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप भी ट्राई कर सकते हैं खुद, बहुत ही आसान चीज़ है यार। बाकी आपको मैंने अभी बताना था कि ये फ़ोटो क्लिक किसने की थी, तो मुझे उम्मीद है आपने कमेंट करके या ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आपने वोट कर ही दिया होगा, तो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो बेसिकली ये फ़ोटो मेरी क्लिक की थी मेरे मॉम ने, मेरी मम्मी जी ने। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, एंड अगर आपको वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला ऐसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, इसको सेव कर लेते हैं यार, पहले थंबनेल में यूज़ करेंगे ना इसको।